शेख बेटा नहीं तुम जाए शिव एंड डीजी फर्स्टली सबसे पहले शुक्रिया। और ये कैसे पॉसिबल हुआ, ये तो कलर्स वालों ने सोचा कि इसका इधर थोड़ा जमा नहीं उधर थोड़ा जम जाएगा तो इसीलिए शायद, बट ये मेरे विश लिस्ट में था। और जब लास्ट डे मुझे बोला कि खतरों के करोगे, मतलब करोगे क्या यार, मैं तो रेडी हूँ ऑलवेज। थैंक यू। सेकेंडली तो आई थिंक लास्ट टू लास्ट या लास्ट ईयर, आई डोंट रियली रिमेम्बर, कोई तो इंटरव्यू में शायद मैंने मेंशन किया था कि दैट आई वुड लव टू बी अ पार्ट ऑफ खतरों के खिलाड़ी, एंड आई गेस आई मैनिफेस्टेड इट फॉर माई सेल्फ, एंड आई एम द लास्ट पर्सन टू गेट ऑन बोर्ड। तो प्रेपरेशन के बारे में नहीं पूछना क्योंकि कुछ भी नहीं हुआ है यहाँ पे। बात हो रही है खतरों की, तो आपके खतरे क्या हैं जिनके लिए आप तैयारियां कर रही हैं, या फिर किस चीज से ज्यादा डर लगता है आपको? मुझे सच्ची कहूँ तो पानी से, ऊंचाई से, सांपों से, सभी से लगता है, सभी से। मैं वर्कआउट करते करते कभी सांप मेरे साथ नहीं थे बचपन से, कभी मैंने वो क्या कहते कॉकरोच और वो उससे मैंने खेला हूँ, बट मुझे इतना पता है कि वहाँ पे जाने के बाद परफॉर्म तो कर लेंगे यार, रोहित शेट्टी सर भी है तो। बट ऐसे नहीं कि हम डरते नहीं है, पानी और मेरा कोई नाता है नहीं। मैं अभी 8-10 दिन में वो बल्कि बॉडी लेके जा रहा हूँ, मैं आजू बाजू देखता हूँ बच्चे फ्लोट करते और मेरी बॉडी पूरी अंदर जाती है, तो वो मेरे पास ऑप्शन नहीं है। बट होगा कि वहाँ पे जाने के बाद अपन कर लेंगे। शिव अगर आपकी अगर बात करें तो शिव जी भाई, जी भाई जब बिग बॉस में जब रोहित सर जब आए थे, जब आपको मौका मिलते मिलते रह गया जी, कोई मौका नहीं मिल पाया लेकिन आप जीत नहीं पाए उसमें, फिर जब दोबारा जब ये मौका आया तो व्हाट वाज योर फर्स्ट रिएक्शन कि भाई जो उस वक्त नहीं मिल पाया वो अब मिल रहा है, मतलब क्या फीलिंग क्या थी उस वक्त आपकी, इमोशनल थे या मतलब एक्साइटेड थे, नर्वस थे, क्या चल रहा था उस वक्त? उस वक्त जब नहीं मिला तो था यार शिट मेरे साथ क्यों होता है ये हर वक्त क्यों यार, वो जो चीज़ यहाँ तक आती है वो चली जाती है, मतलब ठीक है कुछ चीज़ हर वक्त ना, मुझे ऐसे हुआ है कि जो चीज़ मिल रही है उसे मुझे थोड़ा इंतज़ार करना पड़ता है और पेशेंस रखना पड़ता है तब जाके मिलती है, तो इसमें भी वही हुआ, बट इसमें मुझे पेशेंस थोड़े कम रखना पड़ा और इंतज़ार उतना नहीं करना पड़ा जितना बाकी रियलिटी शो के बीच में करना पड़ा, रोडीज़ के बीच में 2-3 साल फिर ये, तो अभी ये जल्दी मिला है। बट मैं इसमें ये भी कर रहा हूँ कि इसका वैल्यू मेरे लिए डबल है कि ये शो परफॉर्म करते समय मैं माइंड में ये रखूँगा कि ये मेरे लिए लास्ट स्टंट है और मुझे वैसे ही परफॉर्म करना है। लेकिन एक चीज़ और कि पिछली बार जो ट्रॉफी है वो घर आते आते रह गई जी, इस बार कितना और एफर्ट्स लगाने वाले हैं आप, कितनी और मेहनत करने वाले हैं ट्रॉफी को सीधा घर तक लाने के लिए? यार मैं सच्ची दिल से कहूँ कि मेरे से ज़्यादा जितने लोग ट्रॉफी के लिए बोल रहे हैं ना, मैं कभी कभी वो गुदगुली चालू हो जाती है मेरे पेट में, बट मैं खुद को समझाता हूँ कि पहले दिन का स्टंट पहले दिन का सोचूंगा, लास्ट डे का नहीं सोचूंगा तब, और उस दिन जब परफॉर्म कर लूंगा ना कि चलो आज का दिन खत्म हो गया, आज बेस्ट किया या फिर जितना मैं कर सकता हूँ। और मैं बता रहा हूँ आपको कि खतरों के खिलाड़ी में बेस्ट चीज़ ये होती है कि आप जैसे दिखता है वैसे होता नहीं है, आपको लगेगा ये फिट है ये परफॉर्म करेगा, वो परफॉर्म नहीं करेगा दूसरा ही कोई या दूसरी बंदी फटाक से परफॉर्म मक्खन की तरह निकल जाएगी। मैंने देखा है दिव्यांका मैम जो थी, उन्होंने क्या फाड़ा था ना, मतलब उनको देखोगे आप तो, मैंने जो स्टंट उनके देखे थे मस्त किए थे उन्होंने, तो खतरों के खिलाड़ी में आप बोल ही नहीं सकते हो कौन कब परफॉर्म करेगा। शिव साथी आपसे जानना चाहेंगे, बिग बॉस के जो एंडिंग नोट था वो मंडली में से नॉन मंडली पे हुआ था, अर्चना भी खतरों में होने वाली है, इस बार कैसा रहने वाला है जी? तो क्या क्या लास्ट क्या था, इस बार कैसे देखते हैं आपने खतरों की जर्नी को, क्या इसमें भी मंडली वैसे नॉन मंडली देखने को मिलेगा या फिर द थिंग विल बी चेंज दिस टाइम? इसमें हम बिग बॉस नहीं खेलते, इसमें खतरों ही खेलते, और इसमें मुझे लगता है कि मंडली होगी, दोस्ती होगी,
और क्योंकि दोस्ती नहीं होगी तो मज़ा नहीं आएगा, 50 डेज निकलेंगे कैसे ना, तो मस्ती करते करते एंजॉय करते करते स्टंट करेंगे, नॉन मंडली नहीं सभी के साथ दोस्ती करेंगे, है यार 14 लोग और सब प्यारे हैं। मैंने कोई सीज़न तो फॉलो नहीं किया है, फ्यू एपिसोड्स देखे हैं मैंने, बिकॉज माई मम इज़ अ बिग फैन ऑफ द शो एंड उसी के दौरान थोड़े बहुत एपिसोड्स देखे हैं। टफ लगता है डेफिनेटली, डर भी लगता है वो चीज़ को करने में, बट दैट्स व्हाट द शो इज़ एंटायरली अबाउट, ओवरकमिंग योर फियर्स। मैंने सीज़न मतलब वो जो हम फीड पे आते हैं तब, और बीच बीच में जब भी हम घर जाते हैं और एक एपिसोड शुरू रहता है, तो मुझे 2-3 प्लेयर जो थे वो बहुत मज़ा आया देखते समय। दिव्यंका मैम थी, अभी जन्नत जुबैर का मैंने सुना था तो मैंने क्लिप्स देखे, जो अंडर वाटर तेजस्वी ने अंडर वाटर जो परफॉर्म किया था, ऐसे 3-4 लोग और अर्जुन भाई भी। तो मैं वही बोलता हूँ कि कभी कभी हमें पता भी नहीं चलता कि जन्नत का देखते समय इतनी छोटी सी बट परफॉर्म इतना लाजवाब किया था उसने, तो ये कुछ कंटेस्टेंट है जिनका मुझे पसंद आया था। इनफैक्ट मैंने किसी के भी साथ शेयर नहीं किया था क्योंकि मुझे खुद को नहीं पता था, आई मीन आई वॉजन्ट श्योर वेदर आई वॉज डूइंग इट और नॉट, बिकॉज देर लॉट ऑफ टॉक्स बैक एंड फोर्थ, द रीज़न वाई आई वॉज प्रॉबली द लास्ट नेम टू कम ऑन बोर्ड। फ्रेंड्स, मम्मी, सब लोग ने कुछ नहीं, उनका खाली एक ही सवाल था, कर पाएगी? एंड आई वॉज लाइक कोशिश कर लूँगी, वन डे एट अ टाइम, जो सिचुएशन में हमको डाला जाएगा वहाँ परफॉर्म करना है, वहाँ पे खुद का 100% देना है, वही एजेंडा है यहाँ पर। टास्क तो हो जाएगा यस, बट हाउ वेल यू परफॉर्म इट, हाउ मेंटली सेन यू आर वाइल डूइंग इट, कितने ठहराव के साथ करते हो, वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। नहीं तो जैसे मैंने पहले कहा कि हाँ मैं चीज़ें डिस्कस करती हूँ सलमान सर के साथ, बट दिस इज़ अ रियलिटी शो, हम प्रोजेक्ट्स डिस्कस करते हैं जिसके ऊपर हम स्क्रिप्ट के अंदर थोड़ी ट्वीकिंग होती है या इम्प्रोवाइज करने का कोई स्कोप होता है, कोई चांस होता है, बट दिस इज़ अ रियलिटी शो, इट्स कम्प्लीटली बेस्ड ऑन द सिचुएशन दैट यू आर बीन थ्रोन इनटू। इसके अंदर मैं क्या ही डिस्कस कर लूँगी उनके साथ, कुछ है ही नहीं इसके अंदर डिस्कस करने के लिए। नहीं मैंने एक्चुअली वैसे डिस्कस नहीं किया, उनको मैंने इन्फॉर्म भी नहीं किया था, बिकॉज हर चीज़ क्या डिस्कस करे राइट नाउ, द थिंग इज दैट अभी प्रॉब्लम ये है कि उनका नाम लो तो सबको प्रॉब्लम है, उनका नाम ना लो तो सबको प्रॉब्लम है, तो लाइक देयर इज नो वे आउट हियर राइट। ये लोग चाहते कि आप उनका नाम लो और मजे आए। जी मुझे लगता है वो जो शोज़ में चोट आती है ना वो एक मेडल होते हैं, वो लगना चाहिए, जब तक वो लगेगा नहीं तब तक मज़ा नहीं आएगा, तो जब भी कोई छोटी भी चोट आएगी वो शो का एक मेडल रहेगा। नहीं यार इतनी चोट है तो मुझे नॉर्मल लाइफ में भी हमें सबको लग ही जाती कहीं ना कहीं। मेरे तो फोरहेड पे ही बहुत बड़ा मार्क है, बहुत लोगों ने नोटिस किया होगा नहीं किया होगा, आई हैव बीन इन अ कार एक्सीडेंट काफ़ी साल पहले, तो अभी मार्क से चोटों से इतना प्यार हो गया कि कुछ फ़र्क ही नहीं पड़ता। एंड आई थिंक आई एम समबडी हु स्टार्टेड एक्सेप्टिंग एंड लविंग द स्कार्स दैट आई ऑलरेडी हैव, एंड आई थिंक ये शो के अंदर अगर कोई मार लगी या चोट लगी, आई थिंक दैट इज़ समथिंग दैट यू हैव अर्नड, बिकॉज इट इज़ अ स्किल टास्क, इट इज़ नॉट समथिंग के वायलेंस का कोई टास्क है इसके अंदर। सो इट्स फाइन। शिव आपसे सवाल है, जी। आप बैक टू बैक रियलिटी शोज कर रहे हैं, रोडीज किया, अभी मैं अगर इंतज़ार करूं कि मुझे एक्टिंग करनी है और मुझे ऑफर कब होगा फिल्म या फिर वो फिल्म शुरू कब होगी और मैं रुक जाऊं, तो वो वक्त चला जाएगा, और कहते हैं कि जब भी वक्त हो तब हथौड़ा मारना चाहिए, तो अभी मुझे जो जो ऑफर हो रहा है मैं कर लेता हूं। और ऐसे पहले हुआ था ना कि रियलिटी शो वाले रियलिटी शो तक ही रहते, शायद मैं वो खोर भी दूँ मिटा भी दो कि ऐसा हो कि रियलिटी प्लस एक्टिंग बैलेंस कर रहा हूँ, बट अभी वो चांस है कि जो चीज़ें मुझे मिल रही ऑफर हो रही है उनको नहीं कैसे बोलूँगा ना, वो तो मैं इंतज़ार कर रहा था,
बट ट्रस्ट मी कि ऐसी चीजें होगी, रियलिटी के बाद भी बड़ा पर्दा आएगा और शिव ठाकरे उधर भी देखेगा। यार मेरे लिए बहुत बड़ी चीज थी और मतलब मैं सुनी थी तो मैं अभी भी वो एक अलग इमोशनल जगह है मेरे लिए कि जहाँ से मैंने शुरू किया था। बट एक था कि पहले कमिटमेंट किया था मैंने इधर, तो होपफुली वो चीज आएगी, अगर आनी हो तो जरूर नेक्स्ट ईयर भी आ सकती है। आई थिंक ही इज़ दी नंबर वन मोटिवेटर ऑन द शो, और जहाँ तक मैं जानती हूँ जितने भी स्टंट्स को प्लान किया जाता है उनके गाइडलाइंस के अंदर प्लान किया जाता है, और जितना मैं रोहित जी सर को जानती हूँ, आई हैव नोन हिम फॉर डोंकी इयर्स, आई वुड से आई हैव इनफैक्ट वर्कड विद हिम एज एन असिस्टेंट कोरियोग्राफर, तो वो उनमें एक ऐसी चीज़ है कि वो खुद जाएंगे टेस्ट करेंगे और फिर ही वो अगले बंदे को करने की सलाह देंगे। सो वर्किंग अंडर हिज गाइडेंस वुड बी एब्सोल्युटली फन एंड ऑल्सो लर्निंग एक्सपीरियंस। वो अबाउट वो वर्ड होपफुली मेरे डिक्शनरी में आए नहीं, क्योंकि मैं होप करूँ कि वो चीज़ आए थे यार मुझे मज़ा ही नहीं आएगा कि इतनी चीज़ इतना वेट करने के बाद शो करे और वो अबाउट करने का चांस ही ना मुझे। और जैसे कहा ना कि सर जो वे से पुश करते हैं कंटेस्टेंट को, तब आपका जो टास्क स्टंट होता भी नहीं आपसे वो हो जाएगा तब, क्योंकि वो उनका एक तरीका है। और मुझे लगता है होस्ट प्लस वो एक ट्रिक और वो प्यार से जो पुश करते हर चीज़ नहीं होने वाली भी हो जाती है, तो मुझे लगता है कि हम लकी है कि वहाँ पे होस्ट रोहित सर है। क्या बस प्रे करो, ब्लेसिंग चाहिए अभी, बाकी कुछ नहीं, ब्लेसिंग ही काम करेगी वहाँ पे। थैंक यू, थैंक यू। Done, guys. Done. Thank you. Okay. Thank you. Let's bring the chairs. I'll see you soon.